हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रियंका रेसिपी में स्वागत है। आज हम पोहा बनाएंगे, इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं कि हमें पोहा बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पोहा बनाने के लिए 4 कप पोहा, 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा मूंगफली का दाना, थोड़ा सा करी का पत्ता, 1/2 चम्मच राई, बारीक कटा हुआ धनिया, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच तेल, बारीक कटा हुआ 1 आलू, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और 1 नींबू। चलिए हम पोहा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोहा को धुल लेंगे। हमें भिगा के नहीं पोहा छोड़ना है, बस हमें धुलना है। और इसका पानी निकाल देंगे। इसका पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे। में 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे हल्का सा। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका हुआ है, इसमें अब आलू डाल देंगे। बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसे निकाल देंगे। इसमें मूंगफली का दाना डाल देंगे। इसे हल्का सा फ्राई कर देंगे 1 मिनट का। और गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। दस मिनट के बाद हम पोहा को अच्छे से मिला लेंगे, चम्मच से चला देंगे इसे। मूंगफली फ्राई हो चुका है, अभी इसे निकाल लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच तेल डाल देंगे इसमें। इसमें करी का पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा राई डाल देंगे। और इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे।
बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और हल्का सा प्याज को भून लेंगे। हल्का सा प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे भी हल्का सा भून लेंगे और गैस का फ्लेम कम कर लेंगे और टमाटर को हल्का सा नरम कर लेंगे। हल्का सा टमाटर नरम हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पोहा डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं रखना है पोहा डालने के बाद। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसमें आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे सर्व कर लेंगे। सबसे पहले पोहा निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम मूंगफली का दाना डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़ा नींबू का रस डाल देंगे।
एक बार नींबू का रस डालने के बाद इसमें थोड़ा सा भुजिया नमकीन डाल देंगे और एक नींबू ले लेंगे। देखिए पोहा बनके तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।